नमस्कार साथियों, मैं आपका मेंटर एचकी गोदारा और आपकी ये इंग्लिश की क्लास रहेगी। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में 100% आने हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, ए पर्सन विद हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ ब्यूटी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सौंदर्यात्मक गुण हो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्थेटिक। और जो एस्थेटिज्म मूवमेंट है इंग्लिश में वो भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है एन एनिमल लिविंग बोथ लैंड एंड वाटर, ऐसा पशु जो जमीन और पानी के अंदर रहता हो तो उसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। एन एनिमल लिविंग ऑन ट्री, जो पेड़ पर रहता है, जो जानवर पेड़ पर रहता है उसको क्या बोलते हैं, एबोरियल। एन अनसिविलाइज्ड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी सिविलाइज्ड ना हो, खाने पीने का ध्यान ना हो, पहनने का ध्यान ना हो, अनसिविलाइज्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, बारबेरियन। आप वाइल्ड नहीं करना है, बारबेरियन होता है जो जंगली होता है। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ये तो एस्टेट में भी आया था पिछली बार। तो ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पशु पक्षियों को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, एवरी। नेक्स्ट है ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, एपरी। ए कंडीशन ऑफ डिसऑर्डर एंड लोनलीनेस, किसी एक कंडीशन ऑफ डिसऑर्डर एंड लोनलीनेस, जब किसी देश के अंदर डिसऑर्डर और लॉ की कमी हो जाए, कानून जहाँ फिर कानून ना हो उसको क्या बोलते हैं, एनार्की। दूसरा है ए बुक दैट सेल्स इन ए वेरी लार्ज नंबर्स, तो बेस्ट सेलर बोलते हैं। ए वाइज सेइंग ऑफ फ्यू वर्ड्स, जब हम कुछ ही शब्दों में एक समझदार बात कहते हैं उसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम। नेक्स्ट है मेड फॉर पर्टिकुलर पर्पस, किसी चीज़ को पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए बनाया गया हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, एड होक। ए लिक्विड फॉर ड्रिंकिंग, पीने योग्य जो हो, बीवरेज। वन हु हीट्स ह्यूमन फ्लेश, ऐसा कोई जो आदमी को खाता हो, यानी कि नरभक्षी हो, उसको क्या बोलते हैं हम, कैनिबल्स। जब आप वोल्डन थोरो का पढ़ोगे तो उसमें कैनिबल ये शब्द आएगा बार बार। तो हिस्ट्री के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है। कनेक्टेड विद हार्ट, जो हमारे दिल से कनेक्टेड हो उसको क्या बोलते हैं, कार्डिक, जैसे हमारे कार्डिक मसल्स होते हैं उससे संबंधित है। कन्वर्टेड विद ब्रेन, यानी कि कनेक्टेड विद ब्रेन, जो दिमाग से संबंधित हो या हमारे दिमाग के साथ जिसका संपर्क हो उसको बोलते हैं सेरिबेरल। हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा होता है वो क्या होता है, सेरिबेरल। बिलोंगिंग टू द मिडिल क्लास उसको क्या बोलते हैं, बोर्गियस। बिलोंगिंग टू स्काई और हेवन इसको क्या बोलते हैं, सेलेस्टिकल। ये वर्ड हम लिटरेचर में भी पढ़ते हैं, सेलेस्टिकल। बिलोंगिंग टू द स्टार्स उसको क्या बोलते हैं, सेटलर। तो आगे हम चलते हैं, करीबन 50-60 के करीबन ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट है हैपनिंग टू वंस इन ए ईयर या एवरी टू ईयर्स, हैपनिंग वंस एवरी टू ईयर्स, यानी कि साल में दो बार जो हो उसको क्या बोलते हैं, बाइनेलियल। द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग, ये बहुत बार आया है कि सुंदर लिखने की हैंड राइटिंग को क्या बोलते हैं हम, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी बोलते हैं। पर्सन लिविंग इन द सेम एज और पीरियड, ये हमने बहुत बार पढ़ा है, कंटेम्प्रेरी। जैसे हम मान लें चौसर का कंटेम्प्रेरी कौन है, विलियम लैंगलैंड और गोवर। ए पेशेंट इन द स्टेट ऑफ डीप अनकॉन्शियसनेस, मरीज जब ऐसी कंडीशन में चला जाता है जब उसको होश नहीं आता तो उसको क्या बोलते हैं, कोमा। ए केमिकल प्रोडक्ट ऑफ यूज फॉर क्लीनिंग क्लोथ, डिटर्जेंट, सब जानते हैं। ए बिग होल वेयर मैनी पीपल्स कैन स्लिप टूगेदर उसको क्या बोलते हैं, डोरमेट्री। ए लार्ज ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार, सब जानते हैं, गैलेक्सी। राइटिंग डिफिकल्ट टू रीड, जिसको पढ़ने में असमर्थता हो, यानी कि इल इजिबल, इल लग जाता है, इन एलिजिबल और इल एलिजिबल, ध्यान रखना है आपको ये शब्द। ए मिस्ट्री डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड उसको क्या बोलते हैं, एनी जेमेटिक। ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी उसको, ग्रेट अगर किसी को नुकसान पहुंचाया जाए जीवन को और प्रॉपर्टी को तो उसको क्या बोलते हैं, होलोकास्ट। पीपल विद ग्रेट नॉलेज ऑफ लिटरेचर, लिटरेटी। जस्ट एंड अनइवेलेबल जस्टिस डन बाय द डिवाइन पावर्स उसको क्या बोलते हैं, निमेसिस। ए फॉल्स आइडिया और बिलीफ, फॉलेसी। उसके बाद पढ़ते हैं हम जो मेन है इसमें,
जो ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये भी समथिंग स्पोकन और डन एट द स्पर ऑफ मोमेंट विदाउट एनी प्रिपरेशन, जब भी किसी बिना तैयारी के बोला जाए उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉम्प्टू। और वैसे तो उसको वो भी बोलते हैं एक्सटेम्पर स्पीच भी, स्पीकिंग अलाउड टू वन सेल्फ व्हेन नो वन इज देयर, यानी कि जब कोई नहीं होता स्टेज के ऊपर, जब हम अपने आप से बातें करते हैं तो वो बातें हमें सुनाई देती है, तो उसको बोलते हैं सोलिलोक्वी, किसी और को सुनाई नहीं देती लेकिन हम अपने आप से बात करते हैं। ये ड्रामा का एक पार्ट है, मॉर्निंग प्रेयर इन चर्च मैटिन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एवरी प्रेयर इन द चर्च, इवनिंग प्रेयर इन द, क्या बोलते हैं, वेस्पर, एन ऑफिस फॉर, ये छोड़ दो भाई, वॉलंटरी रिनाउंसमेंट ऑफ द थ्रोन बाय किंग, तो उसको क्या बोलते हैं, एबडिक्शन, यानी कि छोड़ना, जब राजा है वो जानबूझकर अपना राजसी आसन छोड़ता है। एनिमल विच कैन लिव वाटर, सिर्फ पानी में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्वेटिक, वन हु कैन यूज़ आइदर हैंड विद ईज राइटिंग, ये कि ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों का प्रयोग लिखने के लिए करता है उसको बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस, बहुत बार आया है ये भी एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय पोएट, सुडोनियम, जैसे नेथियल होथ्रोन का सुडोनियम या मार्क ट्वेन के जो सुडोनियम है तो, और जेनी ऑस्टेन के भी है, तो इस प्रकार के सुडोनियम जो पेन नेम हम यूज़ करते हैं उनके लिए। ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज ए ओन कंट्री, कॉस्मोपॉलिटिशियन, वन हु डाइज फॉर नोबल कॉज, मार्टियर, वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेंट, जो बिल्कुल भी शराब वगैरह नहीं पीता उसको बोलते हैं टेटोटेलर, बहुत बार है। वन हु सफर्स फ्रॉम नर्वस डिसऑर्डर, न्यूरोटिक, जो दिमाग की बीमारी हो जाए उसको बोलते हैं न्यूरोटिक। वन हु स्पीक टू लैंग्वेज, बायलिंगुअल, ए प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव, जहाँ मॉन्क्स रहते हैं, मोनेस्ट्री, द प्लेस वेयर नंस लिव, कन्वेंट, ए डिसीजन फ्रॉम विच वी कैन नॉट गो बैक, यानी कि ऐसी बात या डिसीजन ले लेते हैं जिससे मुकर नहीं सकते, इरोवोकेबल, दैट विच कैन नॉट बी इमिटेटेड, इन इमिटेबल, ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, एंथोलॉजी, साइंस स्टडी ऑफ स्टार, एस्ट्रोनॉमी, वन पर्सन डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है उसको क्या बोलते हैं, एथिस्ट। और ये हमारे लास्ट हैं, ए स्मॉल बुकलेट गिविंग इंस्ट्रक्शन डिटेल्स विद समथिंग, तो उसको ब्रोशर बोलते हैं, ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम, ये सभी मैं बता दूंगा साथ के साथ, लॉन्ग नैरेटिव पोएम को क्या बोलते हैं, एपिक, जैसे हमारा पैराडाइज लॉस्ट है, ठीक है, वो एक महान एपिक है, बीवुल्फ हमारा एंग्लो इंग्लिश का एपिक है, रामायण महाभारत इंडियन एपिक है, एलेजी जो किसी की डेथ पे लिखा जाती है, इपिलोग्यू और एलेजी सेम थिंग है, एपिग्राम एक लिटरेरी डिवाइस है, जब हम किसी को समझदार बात कहते हैं, जैसे चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ए लाइट ह्यूमरस प्लेफुल ऑफ सिली हैपनिंग्स, तो उसको क्या बोलते हैं, फारेस, कॉमेडी आप जानते हो, फिक्शन और एनेक्डोट, ए पीरियड्स ऑफ थाउजेंड ईयर्स, ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, तो मिलेनियम, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जो मान लो प्लांट ईटिंग जो हरा घास फूस खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवर्स, ओमनीवर्स इंसान होता है, कार्निवर्स क्या होते हैं, जानवर होते हैं। तो ये साथी छोटी सी क्लास थी आपकी इसके बारे में, और आप देखते रहें इसी प्रकार मैं आपको क्लासें देता रहूँगा, छोटी छोटी क्लासें हैं लेकिन आपके लिए बड़ी लाभदायक और बेनिफिशियल होगी। टिल देन टेक केयर साथियों, अब जो क्लासें आएगी ऐसी है।